हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको लॉगिन नाउ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे मैं जल्दी से अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लेना होगा। यहाँ पे इसे अकाउंट अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना डाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको न्यू एम पिन पे क्लिक करना होगा। हम यहाँ पे अपना कोई सा भी पिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेट एम पिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उस मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा OTP आ चुका है, हम यहाँ पे इसे डाल लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ मैसेज आएगा, डियर कस्टमर थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो मैंने अपना पिन डाला था, उस पिन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगर डेबिट कार्ड लेना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे रुपए पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आपको क्लिक कर लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड आ चुका है। उसके बाद आपको अगर डेबिट कार्ड का नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू कार्ड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद अपना एम पिन डाल लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर शो कर रहा है। यहाँ से फ्रेंड्स आप आसानी से अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।